हेलो गाइस, मैं मुदित मदनीस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एलियन वर्सेस प्रेडेटर की ऑफिशियली टाइमलाइन के बारे में। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और घर पे सभी बैठे हुए हैं और उनको मार्वल डीसी के अलावा स्टार वॉर्स के अलावा और भी यूनिवर्स देखने चाहिए। अब मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना, तो सबसे पहले एलियन वर्सेस प्रेडेटर बहुत बड़ा यूनिवर्स है, काफ़ी सारी मूवीज हैं और देन फ्यूचर में भी काफ़ी सारी मूवीज आएंगी। अब इसकी जो टाइमलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और ईमानदारी से बताऊँ जो हॉलीवुड को पसंद करते हैं उनको इस टाइप के यूनिवर्स देखने चाहिए जिनकी टाइमलाइन उल्टी सीधी हो, टाइम ट्रेवलिंग हो, पैराडॉक्स हो, तभी तो मूवी को देखने का मजा है। और देन जब मूवी देखने का दिमाग चलता है कि भाई वो मूवी कैसे कनेक्टेड है, तो और ही ज़्यादा अच्छा फील होता है और देन हम बन जाते हैं उस यूनिवर्स के फैन, जैसा कि मार्वल के फैन है। तो एलियन वर्सेस प्रेडेटर, पहले अगर 90s की बात करी जाए तो एलियन की अलग मूवीज आती थी, प्रेडेटर की अलग मूवी आती थी, और जब एक इकलौती मूवी आई एलियन वर्सेस प्रेडेटर तो लोगों को पता चला कि ये एक ही यूनिवर्स है और ये दोनों मूवी की मर्ज कर काफ़ी सारी मूवी निकलती है। तो एलियंस की भी काफ़ी मूवी आ चुकी है, प्रेडेटर की भी काफ़ी मूवी आ चुकी है। और देन अगर टाइमलाइन की बात करी जाए तो सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, प्रीवियस 2018 की अगर आप एक मूवी देखोगे द प्रेडेक्टर, और देन अगर उसे टाइमलाइन के अनुसार देखा जाए तो प्रेडेक्टर के बाद आती है एलियन 1, 2, 3। जी हाँ, तो ये चौंकाने वाला लगा ना आपको, तो इसलिए कहता हूँ कि भाई ये यूनिवर्स भी काफ़ी कमाल का है और देन पूरा यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइमलाइन को और देखते हैं कि इस ऑर्डर में पहली कौन सी मूवी आती है और देन लास्ट की मूवी कौन सी आती है। अगर आप इस यूनिवर्स को टाइमलाइन के अनुसार देखोगे तो आपको ये क्लियर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। ओके गाइस, इस यूनिवर्स में सबसे पहले मूवी आती है प्रेडेक्टर, जो कि रिलीज हुई थी 1987 में। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे मूवी आती है प्रेडेक्टर 2, जो कि रिलीज हुई थी 1990 में। उसके बाद आती है थर्ड नंबर मूवी एलियन वर्सेस प्रेडेक्टर, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में, और ये मेन मूवी है जहाँ पर इन दो बड़ी मूवीज का क्रॉसओवर हुआ था। पर यहाँ पर हमें एलियन सबसे पहले दिखाए गए थे, क्योंकि आज तक हमने टाइमलाइन के अनुसार एलियन कभी भी नहीं देखे। फिर उसके बाद मूवी आती है एलियन वर्सेस प्रेडेक्टर 2, यानी कि दोबारा से हमें लड़ाई देखने को मिलती है जो कि एक महामारी के कगार पे पहुंच जाती है, जो कि रिलीज हुई थी 2007 में। उसके बाद आती है नेक्स्ट मूवी दी प्रेडेक्टर, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। तो ये मूवी मैंने देखी है पर्सनली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है और देन मैं इस मूवी को दोबारा देखना चाहूँगा। और देन इसमें जो एंड में क्लू छोड़ते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, तो गाइस देखना ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है प्रेडेक्टर, जो कि रिलीज हुई थी 2010 में। अब आप कहोगे कि ऊपर वाली 1987 की और ये वाली 2010 की, इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ एस का फर्क है, प्रेडिक्टर और प्रेडिक्टर्स फैन। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी द प्रोमेथियस, तो ये रिलीज हुई थी 2012 में। इस मूवी ने मेरा दिमाग चकरा दिया था। जी हाँ, इसमें जो इंसानों को बर्बाद करने के लिए और जो एलियन को बर्बाद करने के लिए चीज़ें दिखाई हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। उसी के साथ अगली मूवी आती है एलियन कॉन्वेंट 2017 की। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा हॉरर मूवी है और देन कैरेक्टर एनिमेशन VFX तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, क्योंकि 2017 की मूवी है तो उसमें एनिमेशन VFX बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया था। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाती है टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और घुमाने वाली, एलियन, जो कि रिलीज हुई थी 1979 में। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब बैक चले गए, पर टाइमलाइन के अनुसार ये आपको फ्यूचर में ले जाएगी मूवी। उसी के साथ अगली मूवी आती है एलियंस, जो कि रिलीज हुई थी 1986 में। उसके साथ फिर अगली मूवी आती है एलियंस 1992 में, जो कि इसका ये थर्ड पार्ट है और देन बहुत ही आगे आप इसमें फ्यूचर में पहुंच जाओगे जब पूरी आप टाइमलाइन के अनुसार देखोगे। देन गाइस इस यूनिवर्स की लास्ट मूवी है एलियंस 1997। जी हाँ, ये यहाँ पे यूनिवर्स का एंड है, बट मैं आपको बता दूं कि अभी एंड नहीं हुआ है। अभी इस पूरे यूनिवर्स में करीब 2 एलियंस की मूवी आनी है, 2 प्रेडेक्टर की और 1 क्रॉसओवर की मूवी आनी है। तो यानी कि फ्यूचर में हमें 5 मूवीज और देखने को मिलेंगी, पर वो इसके टाइमलाइन के बीच में डालेंगे, तो बहुत ही कमाल होने वाला है गाइस। ओके गाइस, तो ये था एलियन वर्सेस प्रेडेक्टर का पूरा टाइमलाइन एक्सप्लेन। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है इसकी टाइमलाइन को लेकर, तो मैं फुल HD ये पोस्टर डाल दूंगा अपनी टेलीग्राम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और देन कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको क्लियर ही समझा सकता हूँ। और देन साथ ही साथ मैंने 2 और यूनिवर्स एक्सप्लेन करें, जो कि हैं स्टार वॉर्स और कॉन्जरिंग यूनिवर्स, जो कि हॉरर है, तो आपको वो दोनों वीडियो आई बटन में मिल जाएंगी। तो गाइस जाके देखो, बहुत ही कमाल के यूनिवर्स हैं। तो देन
मार्वल, डीसी, स्टार वॉर्स, फिर कॉन्जरिंग यूनिवर्स, अब एलियन वर्सेस प्रेडेटर। तो ये मेरे 5 फेवरेट यूनिवर्स बन चुके हैं जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि और इनकी मूवीज बने और रिलीज हो इन फ्यूचर। तो गाइस आपके भी फेवरेट हो जाएंगे अगर आप मेरे कहने पर इन यूनिवर्स को देखते हैं पांचों के पांचों। और देन धीरे धीरे करके मैं और भी यूनिवर्स की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूंगा और आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। और इस वीडियो को भी किसी ने रिक्वेस्ट करा था इंस्टाग्राम पे, बस मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो मैं अगली वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर प्रेडेटर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।